ये आपका एक नया वैरायटी है, देख लो उसी टॉपिक का एक नया वैरायटी है। यहाँ पे देखो क्या दिया तुमको, यहाँ पे इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू जीरो आर इन एच पी, यहाँ पे तुमको रूट्स कहाँ पे है एच पी में तुमको दिया हुआ है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू जीरो। इसमें मुझे करना क्या, देखो मुझे पता है कि यहाँ पे आपके जो रूट्स होंगे तुम्हारा क्या होगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है अल्फा बीटा गामा तुम्हारे क्या होंगे तीन रूट्स होंगे बिकॉज यहाँ पे तुम क्या दिया एक्स क्यूब दिया हुआ है एंड दे ऑल आर इन एच पी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पता है, अल्फा या बीटा या गामा किसी एक की वैल्यू को निकालूंगा मैं और उसको बताओ मैं कहाँ रखूंगा एक्स की जगह पर रखूंगा उसको मैं। तो एक्स की जगह पर जब रखूंगा मैं तुम्हारा जो इक्वेशन फॉर्म करेगा वो तुम्हारा कौन सा इक्वेशन फॉर्म करेगा ये वाला, ठीक है। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा सिंस दे आर इन एच पी तो क्या होगा, हम लोग इसको पहले देख चुके हैं दैट इज वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन गामा इक्वल्स टू टू अपॉन बीटा, टू अपॉन बीटा। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन री राइट दिस एज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू टू गामा अल्फा, इसको हम लोग देख चुके ऑलरेडी। ओके देखो अब क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हुआ इसके तहत तुमको ये वाला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ओके अब हम लोग आएंगे फ्रॉम द रिलेशन बाय द रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। देन यहाँ पे लिखना है उसको, तो देखो तुम्हारा क्या फॉर्म करेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू बताओ तुम्हें क्या होगा माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस होगा दैट इज पी, ठीक है। वैसे ऑल्सो सेकेंड बताओ क्या होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस दैट इज क्यू, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ दिया है वहाँ पे, तो देखो हम क्या करेंगे इसके जगह हम क्या रखेंगे इसको रखेंगे तो टू लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन, तो यहाँ पे इसको आप टू मान लो, ठीक है इसको आप टू मान लो, तो यहाँ पर होगा टू गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्यू, तो थ्री गामा अल्फा इक्वल्स टू क्यू, तो गामा अल्फा इक्वल्स टू क्यू बाई थ्री, ठीक है। ये आपको अगला फॉर्म कर दिया गामा अल्फा दे दिया। अब तीसरा आपका जो होगा ऑल्सो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू बताओ तुम्हें क्या होगा माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस होगा तुम्हारे यहाँ पे तो दैट इज आर। अब मुझे पता अल्फा गामा तुमको यहाँ कितना दिया बताओ क्यू अपॉन थ्री तुमको दिया फिर, तो बीटा इक्वल्स बीटा इंटू क्यू अपॉन थ्री इक्वल्स टू आर विच इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स टू आर थ्री आर अपॉन क्यू। देखो इसको यहाँ पे लिया है इसको यहाँ पे लिया है, तो बीटा इक्वल्स टू थ्री अपॉन क्यू। बीटा बताओ आपका क्या है इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, देयरफॉर सिंस है ना सिंस बीटा, देखो बीटा इज अ रूट, ठीक है यहाँ पे तुम्हारा सिंस आएगा, ठीक है सिंस बीटा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन बताओ तुम्हें क्या था यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू बताओ तुम्हें क्या था यहाँ पे एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो था तुम्हारा। तो अब बताओ क्या होगा तुम्हारा फंक्शन ऑफ बीटा आएगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है दैट इज बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा है ना माइनस आर इक्वल टू जीरो। अब बीटा के लिए बताओ तुम्हें कितने यहाँ पे थ्री आर स्क्वायर दिया यहाँ पे उसको यहाँ पे रखो, तो यहाँ बताओ तुम्हें क्या होगा थ्री आर अपॉन क्यू का क्यूब माइनस पी थ्री आर अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू थ्री आर अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसको ओपन करो, दिस इज ट्वेंटी सेवन आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब, यहाँ बताओ क्या होगा तुम्हारा पी इंटू नाइन आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये क्यू कैंसिल होगा तो प्लस थ्री आर माइनस आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 27 आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब हो जाएगा माइनस 9 पी आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 आर इक्वल्स टू जीरो, ये हुआ तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा आर कॉमन है तो आर कॉमन निकाल लो और यहाँ पे क्यू क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से आर कॉमन निकाल लेता हूँ तो दिस इज 27 आर स्क्वायर, ठीक है। मैं क्यू क्यूब को भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर
तो दिस इज 9 पी, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक क्यू कम है कि नहीं, तो यहाँ तुम्हारा क्यू आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा एक आर गायब हो चुका है, तो दिस इज आर प्लस टू, यहाँ पे तुम्हारा आर तो गायब हो जाएगा, तो बचा क्या बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्यू क्यू, तो दिस इज क्यू क्यू इक्वल्स टू जीरो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हेंस थैंक यू।